नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश सिंह। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अनवांटेड हेयर रिमूवल के बारे में। जो अनचाहे बाल होते हैं उनको आप कैसे घर बैठे हटा सकते हैं। वैसे इसके हटाने के बहुत तरीके होते हैं, लेकिन मैं नेचुरल तरीकों की बात करूंगा और आपको कुछ वो तरीकों ही बताऊंगा जो जनरली लोगों के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। तो आप वो चाहें तो वो तरीके यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप नेचुरली चाहें तो जो प्राकृतिक तरीके हैं उनसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि जो अभी नए तरीके आए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं। देखिए, अभी के जो तरीके होते हैं उनमें जो है नॉर्मली देखा जाता है वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं। जो पार्लर जाते हैं आप, वहाँ पर वैक्सिंग वगैरह करवानी होती हैं, थ्रेडिंग करवा सकते हैं आप जो हैं रेजर होता है उनसे सेविंग कर सकते हैं। ये कुछ जो तरीके होते हैं बहुत ही कॉमन तरीके हैं और नॉर्मली जो लोग इनको यूज़ भी करते हैं, लेकिन इनमें कुछ साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। जैसे वैक्सिंग है तो वैक्सिंग में आपको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो वो दर्द जो है हर कोई महिला या हर कोई आदमी जो सहन करे ये पॉसिबल नहीं है। तो बाकी जो दूसरा है कि उसमें सेविंग है, तो सेविंग भी है दोस्तों कि सबके लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि जब शेविंग करते हैं तो उसमें कट लगने का डर रहता है और शेविंग के बाद जो बाल होते हैं वो ज़्यादा तेज़ी से आते हैं, तो इसलिए शेविंग सबके लिए पॉसिबल नहीं है। और थ्रेडिंग करवाते हैं तो थ्रेडिंग जो है हर कोई कर नहीं सकता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट चाहिए, तो आपको पार्लर जाना पड़ेगा और सर किसी के पास टाइम भी नहीं होता है कि वो जाए और थ्रेडिंग वगैरह करवाए। तो इसलिए ये जो तरीके हैं जो उन लोगों के लिए सूटेबल नहीं है जिन जो हैं कहीं जाना नहीं चाहते और उनके पास टाइम नहीं है, तो वो जो है घर बैठे ही जो है कुछ घरेलू नुस्खे यूज़ करके अब जो है अनचाहे बालों से जो है निजात पा सकते हैं। अनचाहे बाल से दोस्तों मेरा मतलब है आपके बॉडी में जितने भी अनचाहे बाल हैं जिनको आप वहाँ पे नहीं चाहते हैं और वो आपको वहाँ पे देख के अच्छे नहीं लगते हैं, वो सभी आपके अनवांटेड हेयर हैं। तो चलिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता हूँ, सीधा आता हूँ अपने मुद्दे की बात पर। सबसे पहले बताओ दोस्तों, आपको एक घर पे वैक्स बना सकते हैं आप। जो पार्लर में वैक्सिंग वगैरह करवाते हैं तो वो आपको वैक्स लगाते हैं, वैसा ही वैक्स आप घर पे बना सकते हैं। आपको लेना है शहद, आपको लेनी है चीनी, आपको लेना है ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल। ये तीनों जो हैं आप सबसे पहले पैन में शहद, चीनी और ये जैतून का तेल डालिए और इसको दोस्तों पकाइए। तो कुछ टाइम बाद दोस्तों आपको इसमें थोड़ा भूरा रंग आ जाएगा और ये जो है एकदम वैक्स की तरह बन जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसा अगर आपको दिख रहा है तो इसमें आप गैस को बंद कर दीजिए और ये वैक्स जो है आप निकाल लीजिए। अभी आपको आपको जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर आप हटाना चाहते हैं तो सबसे पहले वैक्स को चेक करिए आप स्किन पे लगा के कि ज़्यादा गर्म तो नहीं है। सबसे पहले ये करिए दोस्तों, आप स्किन के ऊपर लगाने से पहले टैल्कम पाउडर जो आता है, टैल्कम पाउडर आप किसी भी कंपनी का जो होता है वो लगा सकते हैं। टैल्कम पाउडर लगाने के बाद आप जो है उसके ऊपर वैक्स लगा सकते हैं। आप जो है 15 से 20 मिनट तक वैक्स को ऐसे दबाइए और वैक्स को दोस्तों उस दिशा में निकालना है जिस दिशा में आपके बाल नहीं निकल रहे हैं। मतलब आपके बाल अगर इस दिशा में निकल रहे हैं तो आपको वैक्स को ऐसे लेना है, बालों की उल्टी दिशा में आपको वैक्स को खींचना है। तो उससे जो है आपके बाल जो है निकल जाते हैं और ये होममेड रेमेडी है, इसमें कुछ साइड इफेक्ट भी नहीं है। इसमें ध्यान एक ही रखना है कि ये जो आप कर रहे हैं तो ये किसी जानकार की देखरेख में करें। अगर आप फर्स्ट टाइम हेयर रिमूव कर रही हैं तो आप ऐसा नहीं करें, क्योंकि इसमें जो है आपको नुकसान हो सकते हैं। आप अगर हेयर अच्छे से रिमूव नहीं करते हैं तो बालों में जो घाव हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा नुस्खा है दोस्तों, आपको लेना है हल्दी, आपको लेना है बेसन। ये दो चीज़ें हैं दोस्तों, ये दो चीज़ें आप मिक्स कर दीजिए। साथ में अगर आपको एलोवेरा जेल मिल जाए ये भी जो है आप मिक्स कर सकते हैं। ये जो है मिक्स करके आपको जहाँ पे भी आपके अनवांटेड हेयर हैं वहाँ पे इसको अप्लाई करिए। ये क्या करेंगे, आपके बालों को जो है स्मूथ कर देते हैं, स्मूथ कर देते हैं और थोड़ी देर बाद जो है ये गिरने लग जाते हैं। तो इस नुस्खे से भी जो है आपके अनवांटेड हेयर जो रिमूव हो जाते हैं। एक और नुस्खा है, आप जो है पपीता होता है उसको मैश करके वो जो है उसके अंदर आप थोड़ा सा हल्दी मिला लीजिए। पपीता और हल्दी ये नुस्खा अगर आप यूज़ करते हैं तो इससे भी जो है आपके अनवांटेड हेयर रिमूव होते हैं। पपीता जो होता है आपके हेयर जो फॉलिकल होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उनको जो है बड़ा कर देते हैं, जिससे बाल जो है आसानी से बाहर निकल आते हैं। तो आप ये नुस्खा भी ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ नुस्खे हैं जिनसे आप अनवांटेड हेयर को रिमूव कर सकते हैं और आप अपने काफ़ी सारे पैसे बचा सकते हैं। इन नुस्खों को ज़रूर इस्तेमाल करिए और नीचे मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नुस्खों से क्या फ़ायदा हुआ है।
एक बात और बता दो दोस्तों कि इन नुस्खों का आप जब भी यूज़ करें तो किसी एक्सपर्ट की देखरेख में इसको यूज़ करें। फर्स्ट टाइम अगर आप हेयर रिमूव कर रहे हैं तो आपको नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि उस समय आपको पता नहीं होता है आपको हेयर किस तरह से रिमूव करने होते हैं, तो इसलिए किसी जानकार के देखरेख में ये करें। और बाकी आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त।